तो ये मैं कर रहा हूँ ट्राई। सो 1 2 3 गो। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक एंड गाइस वेलकम बैक टू अनदर डेरी व्लॉग। साथ में है यहाँ पे दिलप्रीत पाजी और अंकल। कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपने अभी देखा अंकल जी का कल वाले वीडियो के अंदर रिएक्शन कि भाई जो R8 30 में मेरी थी पहली, कल संडे राइट, तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ गया। और ये वाला है वीडियो का पार्ट टू और इसमें यू गोइंग टू सी फर्स्ट की चैलेंज ऑन माय ऑडी R8 एंड साथ ही साथ ड्रैग विद S1000 RR। तो करते हैं हम लोग कंटिन्यू बिना किसी देरी के, सो लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं ट्राई फर्स्ट गियर चैलेंज गाड़ी का। यहाँ से होगी गाड़ी मैनुअल में, तो पहले हम ट्राई करेंगे इसको विदाउट स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ से होते हैं इसके गियर चेंज। एटी गई है पहले गियर में, ऑलमोस्ट 80 गई है। अब ट्राई करते हैं कल स्पोर्ट्स मोड में कितनी गियर में जाती है। हाँ भाई ठीक है, पहले गियर में तो 80 जा रही है, अब ट्राई करते हैं स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड के लिए कुछ नहीं है, आसान है गाड़ी को, जस्ट यहाँ से स्पोर्ट्स का बटन दबाना है और वी आर गुड टू गो। अपने आप गियर चेंज नहीं करा और गाड़ी बहुत जल्दी जल्दी इनका क्रूज कर रही है ना। हाँ भाई, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा साथ साथ। लाइक मैनुअल स्पोर्ट्स में आप टोटल आपकी मर्जी पे गाड़ी चलेगी, जो स्टेयरिंग है स्पोर्ट्स मोड में वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, आई कैन नोटिस। एंड दिस इज गोइंग वेरी वेरी फास्ट भाई, आई कांट वेट टू ड्राइव दिस वन BIC। तो भाई ये था गाड़ी का फर्स्ट गियर चैलेंज। एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट अगेन, कि गाड़ी में आई थिंक इसमें लॉन्च कंट्रोल नहीं है, तो वो एक मेरे को थोड़ा सा लगा ड्रॉबैक, बट स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई इट वंस मोर विद द स्पोर्ट्स मोड इन मैनुअल, फिर ट्राई करेंगे एक बार ऑटोमेटिक में भी। तो ये मैं कर रहा हूँ ट्राई, सो 1 2 3 गो। तो ये 80 गई है, मेरे को पता होगा कमेंट किया क्या लगता है कितनी देर में गई ये 80 है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। पहली बार भाई मेरा स्पोर्ट्स मोड में एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक इसको मैंने स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा भगाया नहीं है। स्पोर्ट्स में व्हाट आई एम नोटिसिंग कि जो गाड़ी का शॉकर्स हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, जो स्टेयरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ये स्पोर्ट्स मोड में थोड़ी बहुत आए हैं गाड़ी के अंदर चेंजेस, और इसको जब मैं करता हूँ डाउन शिफ्ट तो गाड़ी की आवाज़ बदल जाती है। देखो V10 के अंकल जो साउंड है ना, ये बात अभी तक मैंने दुबई में सुनी थी। अच्छा, और अब यहाँ पे भी सुन रहा हूँ अंकल। सही बात है, ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, और R8 में घूम रहा हूँ, और बहुत जल्दी अंकल लैम्बोर्गिनी भी, बहुत जल्दी। ठीक है, बस आप सब लोग सपोर्ट करते रहो। तो गाइस अब पाजी और मैं एक थोड़ी सी कर रहे हैं ड्रैग रेस, आपको मिल जाएगी पाजी के चैनल पे। तो अभी पाजी और मैं ड्रैग रेस कर रहे हैं, और अभी अंकल को वो नहीं हो रहा कि अब रोको रोको रोको, अब अंकल क्या दिक्कत होगी, अब नहीं आप कर रहे हैं रोको 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 भाई, थोड़ा आदत पड़ रही भाई। बहुत बढ़िया, अब आदत पड़ने लग गई। हाँ भाई पड़ जाएगी, आपके साथ रहा तो आदत पड़ जाएगी। ओ भाई क्या बात है, वो बाजी पीछे छूट रहे हैं भाई, ये बस भाई अब बहुत पीछे गई भाई, बाइक को बाजी पीछे निकल रहे हैं भाई। तो दिलप्रीत बाजी अब व्हील ही मारेंगे, just look at this and we are cruising at now and ye nikal gayi ZX10 RR, ये बहुत ज़्यादा लाउड है भाई। गाइज यहाँ पे खड़ी है 1000 RR, यहाँ पे खड़ी है अपनी R8, और बहुत ज़्यादा सही लग रही है ना दोनों साइड में, हॉट ब्यूटी कहते ना, सीरियसली रेड हॉट ब्यूटी है। इसमें एक कमी है राइट साइड में, एक और चीज़ की, मतलब H2 की समझे नहीं अब देखने लग गए, मतलब अगर राइट में H2 भी खड़ी होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। मैं कह रहा हूँ बेस्ट फ्रेम होता, बेस्ट फ्रेम, हाँ से मैं कोई फ्रेम नहीं सकता। तो वो होने वाला है बहुत बहुत जल्दी से, मैं बताऊँ जल्दी से कमेंट कि आपको जल्दी से कब चाहिए वीडियो H2 साथ में 1000 RR और साथ में Audi R8 की एक तरह से ड्रैग रेस, तो बहुत ज़्यादा उसमें मज़ा आ जाएगा। चलो अब चलते हैं, ऐसे कहाँ जा रहे हैं अब हम? वापस जा रहे हैं गुड़गांव रेडिसन ब्लू। ओके यार चलो। A few moments later. तो गाइस अभी क्या सीन था कि आपने देखा फर्स्ट गियर चैलेंज गाड़ी का एंड साथ ही साथ, और आपने देखी
रेस विद S1000RR। तो मैं बताना था कि मैं आपको कैसी लगी रेस। तो अब हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे जो कि है रेडिसन। तो यहाँ पे भी आपको जुटा हुआ ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के अंदर, और खाते हैं ब्रेकफास्ट तक क्योंकि बहुत ऐसी भूख भी लग रही है। तो यार ये है अपना आज का ब्रेकफास्ट, दानिश पेस्ट्री मफिन बेग मशरूम देन अगेन दानिश पेस्ट्री साथ में बेग बीन्स। आपने क्या लिया? ओनली फ्रूट्स। और यहाँ पे अंकल है, क्या लिया अंकल आपने? भाई बहुत कुछ ले लिया, ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े डाले। अच्छा चलो, वैसे बाजी आज मज़ा आ गया रेस के अंदर, डैम गुड ब्लॉग है, देखने वाला ब्लॉग है। हाँ, और साथ में अंकल वो कैसा था फर्स्ट के चैलेंज, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया भैया। चलो फर्स्ट गियर में आई थिंक 80 के आसपास गई है। हाँ, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड में थोड़ा फर्क आया, बट मज़ा आया। दोनों में करी है मैंने, दोनों ट्राई कर। तो यार अभी यहाँ पे फोटो खींच रही है प्रॉपर थिंग, और ऐसा भी लाइनअप है 1000RR 1000RR। बाकी यहाँ पे सारी बाइक खड़ी कर दी है, बीच में खड़ी कर दी है R8, और सब लोग अभी फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट वैसे अंकल मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा भैया, बहुत ऑसम, बहुत अच्छा। यस yes, तो मैं निकल गया था रेडिसन से लगभग आधे घंटे पहले, मैं पहुंचने वाला अपनी लोकेशन पे जो कि है मेरी सीक्रेट लोकेशन। तो मेरे को बताओ क्या लगता है वो सीक्रेट लोकेशन कौन सी है? तो पहले काम करते हैं, पहले वहाँ पे अपनी कार पार्क करते हैं, एंड उसके बाद में अंकल जो S2 बहुत दिनों से ब्लॉग में दिखाई मैंने, गोल्ड शॉट भी नहीं हुई S2 बहुत दिनों से। तो संडे का दिन है वैसे ही, तो S2 को करते हैं ऑन, आपको दिखा दो सीधा S2 को, सीधा मिलता हूँ मैं गैराज में। तो यहाँ पे खड़ी कर दी है R8, अभी हो जाएगी ये कवर, और यहाँ पे खड़ी है H2। करते हैं बाइक को जल्दी से कोल्ड स्टार्ट। यार बाइक की जो बैटरी है ना वो डाउन होने लग गई है, जस्ट बिकॉज कि अब ज्यादा बाइक चल नहीं रही है, ज्यादा गाड़ी निकल रही है। हाँ, तो अंकल नाराज हो गई है। हाँ, कि मेरे को भी निकालो निकालो कि गाड़ी आधा निकल रही है, और जब गाड़ी ये निकालूंगा तो गाड़ी नाराज हो जाएगी। तो एक काम करते हैं अंकल, दोनों का साथ निकालते हैं बहुत जल्द। अगले संडे क्या पक्का डन, एक पापा चलाएंगे एक मैं चलाऊंगा, अब देखते हैं पापा का चलाएंगे उनकी क्या रहती है। वैसे वो गाड़ी पे हमेशा प्रेफर करते हैं। ठीक है, पापा ने आज तक ये बाइक सिर्फ एक ही बार चलाई है, जब हमने गाड़ी की इसकी डिलीवरी ली थी शोरूम के बाहर, उसके बाद पापा ने आज तक ये वाली बाइक नहीं चलाई है। तो या अभी ये है पूरा सीन। तो गाइस वेट डायरेक्ट साइड मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, एंड मेरे को सब्सक्राइब कर देना भाई YPM व्लॉग्स, क्लिक कर देना बेल आइकन को, एंड मेक श्योर यू फॉलो मी इंस्टाग्राम, ID विल बी ऑन द स्क्रीन। वेट डायरेक्ट साइड बाय एंड स्टे सेफ। सो ऑल ब्यूटी इज कवर्ड, वो भी दोनों हो चुकी हैं कवर। ये है पोस्ट क्रेडिट सीन अपना। चलो अंकल जल्दी, अब नींद आ गई मेरे को बहुत, दो दिन से नहीं सोया।